का हमारा टॉपिक सेट्स है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू, आज का टॉपिक है सेट्स। तो पहले सेट क्या है वो समझेंगे। सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी सेट का मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर उसको कुछ डिफाइन किया हुआ होता है। सपोज कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, ओके, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर में क्या आएंगे, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सब जो नंबर है उसको हम अगर डिफाइन करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, ओके, 2 से डिविजिबल है। तो ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है और पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पे सभी नंबर को डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो सभी नंबर से उसका जो ग्रुप बना है उसको हम सेट बोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम सेट का यूज़ करते हैं, स्केच पेन का सेट। तो उसमें बहुत सारी स्केच पेन होती है, सभी का कलर अलग अलग होता है, पर वो दिखने में सभी सेम होती है, ओके, उसका यूज़ भी सेम है। तो वो एक स्केच पेन का सेट हुआ। अभी यहाँ पे देखा है कि सेट्स आर नेम्ड यूजिंग द कैपिटल लेटर। कोई भी सेट है उसको कैपिटल लेटर से उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पे देखो एस कैपिटल है, ओके, तो इस सेट का नेम एस रखा हुआ है। द मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अभी सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 ये सब मेंबर्स हैं, वो सेट के अंदर है, ओके, वो मेंबर्स को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो वो ये जो सेट है उसको इनक्लोज किया है ब्रेसिस से। ये देखो यहाँ पे ब्रेसिस है, उसको एनक्लोज किया हुआ है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओड नेचर नंबर लेस देन 10, अभी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ओके, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है कि ओड नेचर नंबर लेस देन 10 कौन कौन से आते हैं, तो 1, 3, 5, 7 और 9। इसी तरह यहाँ पे द रिवर ऑफ इंडिया, अभी इंडिया की रिवर ये डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है, ओके, तो सभी रिवर है जो इंडिया की उसका सेट। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सब वोवल्स है। बाद में वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसका भी एक सेट है, उसको हमने डिफाइन किया। देखो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 कौन कौन से है, तो 2, 3, 5 एंड 7, ओके। बाद में द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, उसके सॉल्यूशन क्या है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 ये एलिमेंट है सेट के इस इक्वेशन में। अभी स्पेशल सेट क्या है वो हम समझेंगे। तो स्पेशल सेट में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अभी सभी नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, तो उसको एन से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके, उसको जेड से डिनोट करते हैं। बाद में सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। अभी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है जेड प्लस लिखा हुआ है, यानी आपको पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अगर क्यू प्लस लिखा हुआ यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर आर में ऊपर प्लस दिया हुआ है यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये जो नंबर सिस्टम में है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर, ओके, तो कलेक्शन ऑफ नंबर होते हैं। तो उसमें कुछ डिफाइन किया होता है कि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, बाद में इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो आएगा। तो ये सब स्पेसिफिक डिफाइन किया होता है, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एलिमेंट बोलते हैं, वो आपको मालूम है, उसको मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ द सेट। अभी सेट नोटेशंस देखो, सेट नोटेशन में जो ये सब अल्फाबेट यूज करते हैं वो कैपिटल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एलिमेंट है वो स्मॉल में लिखा होता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी बिलोंग्स टू ए, ये जो साइन है इस टाइप की उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या हुआ है कि बी एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है,
ओके, यानी बी बिलोंग्स टू ए, यानी बी एलिमेंट है वो सेट ए का है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी एलिमेंट सेट ए का है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज इन ए। अभी देखो एक एफ, एफ इज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा लिखा हो तो नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एफ ए सेट के अंदर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एफ दिया ही नहीं है। ओके, सो एफ इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी प्रकार यहाँ पे टाइप ऑफ सेट्स है, उसमें पहला है एलिमेंट एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे, तो एम्प्टी सेट का मतलब, एम्प्टी का मतलब खाली, तो अ सेट विथ नो एलिमेंट। देखो यहाँ पे ब्रेसेस के अलावा कुछ नहीं है, ब्रेसेस के अलावा कुछ नहीं है, यानी नो एलिमेंट्स, तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं फाई। ओके, ये फाई जो है एम्प्टी सेट का सिंबल है, और एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट है। अभी सबसेट क्या है वो अभी हम देखेंगे। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वो भी अनदर टाइप का, वो एक प्रकार का सेट है, काइंड ऑफ सेट। अब सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। अभी कोई सेट में एक ही एलिमेंट है, ओके, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ए, ए सेट है उसका एलिमेंट सिर्फ टू ही है। ओके, बाद में यहाँ पे देखो, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे देखो एक्स, तो एक्स जो है फोर और सिक्स के बीच में है, और एक्स इंटीजर है, तो फोर और सिक्स के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, सिर्फ फाइव आता है, ओनली वन एलिमेंट्स, तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। अभी आता है फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अ सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट इफ द एलिमेंट कैन बी काउंटेड एंड प्रोसेस ऑफ काउंटिंग टर्मिनेटेड एट सर्टेन नेचुरल नंबर से। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, अनकाउंटेबल नहीं होते एलिमेंट जो होते हो, लिमिटेड होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट है, यहाँ पे भी लिमिटेड है, अप टू 100 ही है। अभी इन्फाइनाइट सेट की बात करें तो इसमें एलिमेंट लिमिटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे देखो इवन नंबर है तो आप इन्फाइनाइट तक जाएगा, ओके, वन लैख, वन करोड़, ओके, टू करोड़, तो इन्फाइनाइट अभी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम इन्फाइनाइट सेट बोलेंगे, द सेट ऑफ द इवन नंबर, ओके। इसी प्रकार सेट ऑफ ऑड नंबर की बात करें तो उसमें भी इन्फाइनाइट तक जाएगा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इक्वल सेट, द टू सेट्स के एंड आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव ए इक्वल नंबर एन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। अभी के और आर दोनों सेट है, ओके, तो उसमें मेंबर भी इक्वल है, इसमें देखो फाइव मेंबर्स है, इसमें भी फाइव मेंबर्स है, और उसके जो एलिमेंट भी सेम है, देखो इसमें 1, 3, 4, 5, 6 है, तो इसमें भी 1, 3, 4, 5, 6 है, तो एलिमेंट भी सिमिलर है और मेंबर्स भी सेम है, तो उस वो दो सेट है वो इक्वल सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे के और आर इक्वल है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि सेट के इक्वल टू सेट आर, ओके, तो के इक्वल टू आर। अभी इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इसमें इस तरह से डिनोट करते हैं कि ए और बी इक्विवेलेंट है, ओके। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें देखो ए सेट में चार एलिमेंट है, तो इसमें भी चार एलिमेंट है, ओके, पर एलिमेंट सिमिलर नहीं होते। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे थ्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे फोर है, यानी एलिमेंट सिमिलर नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ओके। तो यहाँ पे देखो एन ब्रैकेट ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए,
और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 4। तो इसको हम ये तीन लाइन से, इन दोनों के बीच में तीन लाइन खींची हुई है, वो इक्विवेलेंट का सिंबल है। अभी यूनिवर्सल सेट की बात करें, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट या एलिमेंट एन ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। ओके, तो पहले हम सबसेट की बात कर ले, बाद में हम यूनिवर्सल सेट की बात करें। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अभी सेट ए है वो बी का सबसेट है, कब? जब इफ एन ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, वी ऑल्सो से दैट ए इज कंटेनेड इन बी, दैट बी कंटेन्स ए इज डिनोटेड बाई द, अभी देखो इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इस तरह से भी कर सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये दोनों डिनोट किया हुआ है, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है आप दिखाओ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज यहाँ पे ये जो यू सेट है उसमें नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे सेट ए है उसमें नेचुरल नंबर है पर किस टाइप के, 0 और 9 के बीच में और 9 भी। ओके, 9 भी आ जाएगा और 0 और 9 के बीच के सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्या मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी देखो ये जो सेट ए है वो पूरा का पूरा यू के अंदर आ जाता है। ओके, सेट ए है वो सेट यू के अंदर आ जाता है, समझ में आ गया? यानी सेट ए है वो यू का एक पार्ट है, यानी सेट ए है वो सबसेट ऑफ यू। ओके, इसका मतलब है सेट ए है वो यू का सबसेट है। आप देख सकते हो कि सेट ए इज सबसेट ऑफ यू, यानी यू का एक पार्ट है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सबसेट क्या है वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि अभी देखो सभी सबसेट है या फिर कोई एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट या सबसेट कोई एक सेट के अंदर आ जाता है, तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसको हम यू से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और उसको यूनियन भी बोलते हैं, यू मीन्स यूनियन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे सेट ए है उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 और 5 है। अभी देखो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सभी एलिमेंट आ जाते हैं उसमें, तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें सेट ए भी आ जाता है और सेट बी भी आ जाता है, दोनों सेट आ जाते हैं। ओके, तो सभी सेट और एलिमेंट आ जाते हैं जिस सेट में वो सेट यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए और बी दोनों सेट यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, उसके एलिमेंट सभी आ जाए। यहाँ पे 1, 2 ये सेट ए के एलिमेंट है, 3 और 5 सेट बी के एलिमेंट है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे पहले, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं कि यहाँ पे देखो सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। अभी किस तरह से, तो सेट ए में डॉग और कैट है और बी में डॉग कैट बर्ड और फिश। अभी देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द कंटेन इन द सेट बी एंड सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, इसमें देखो नीचे लाइन नहीं दी हुई है, इसमें नीचे लाइन नहीं दी हुई है, सबसेट में नीचे लाइन दी हुई होती है और इसमें लाइन नहीं दी होती है। ओके, और यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी है, क्यों है? क्योंकि इसमें सेट ए के सभी एलिमेंट बी में आ जाते हैं और दोनों सेट इक्वल नहीं है। ओके, ए इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, यानी दोनों में एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो यानी ये प्रॉपर सबसेट हुआ। अभी सुपरसेट की बात करें, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए सेट है उसके अंदर बी सेट है,
ओके, ए सेट के अंदर बी सेट है, ए सेट में ये सभी नंबर आ जाते हैं, बी सेट में सिर्फ कितने कौन कौन से नंबर आते हैं, तो कि 4, 7, 3, 8 और 11 ये बी सेट में आते हैं, और ए सेट में सभी नंबर आ जाते हैं। यानी कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, ओके, बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये प्रॉपर सेट है। ये कैसा सेट है? प्रॉपर सबसेट है, समझ में? प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू ए, यानी बी और ए के एलिमेंट दोनों सेम नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, तो जो ए है वो जो बड़ा सेट है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी प्रॉपर सुपर सेट में क्या होता है, वही मैंने समझाया कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके, ए इज सुपर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है वो सुपर सेट का ही बताया है, ओके, सुपर सबसेट का भी मैंने समझा दिया कि यहाँ पे ये जो बी है वो सबसेट है ए का, और ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ओके। तो इसमें ये जो ए हुआ बड़ा सेट वो सुपर सेट हुआ है, तो उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सुपर सेट क्यों? क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अभी पावर सेट, तो पावर सेट में क्या होता है? द पावर ऑफ सेट अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। अभी अभी पी ऑफ एस है तो इसमें सभी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस आते हैं। पावर ऑफ सेट में क्या होता है कि उसके अंदर सभी सबसेट आ जाएंगे। सपोज कि सेट ए है, उसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो ये सेट ए के जितने भी सबसेट बनते हैं कौन कौन से बनते हैं, तो एक तो एम्प्टी, एम्प्टी जो होता है वो एम्प्टी सेट है, वो सभी का सबसेट है, ओके। बाद में सिंगल एलिमेंट का होता है, सिंगल टोन, ए सबसेट है, बी सबसेट है, सी सबसेट है। अभी पेयर में होगा तो ए बी की पेयर, दो दो एलिमेंट की पेयर बनाते हैं, ए बी की पेयर होगी तो ए बी एक सबसेट बनेगा, बाद में बी सी की पेयर करेंगे तो बी सी एक सबसेट बनेगा, बाद में ए सी की पेयर बनाएंगे तो ए सी सबसेट बनेगा, और लास्ट में तीनों की पेयर ए बी सी वो भी एक सबसेट है, खुद अपना सबसेट हो सकता है, ओके, खुद जो सेट है वो खुद का सबसेट है। इस प्रकार सभी सबसेट का जो सेट बनता है उसको पावर सेट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब देख सकते हो दूसरा एग्जांपल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर सबसेट दिया हुआ है, तो आप देखो एक एम्प्टी सेट है, बाद में ए बी सबसेट है, सी सबसेट है, बाद में ये पूरा जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो ये आप देख सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।